हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी जो साइट है उसका XML साइट मैप योस्ट SEO प्लगइन की मदद से कैसे सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपनी जो साइट है उसका साइट मैप आपको सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल में, सो उसके लिए बहुत से तरीके होते हैं। मेरे हिसाब से आपको योस्ट, अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं, आप वर्डप्रेस पे आपकी साइट है, तो आपको योस्ट SEO प्लगइन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ईजिली आप अपने जो साइट मैप है उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस होंगे योस्ट SEO का। योस्ट SEO के ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनरल का ऑप्शन मिलेगा, तो जनरल में हमको चले आना है। जनरल में जब आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस बन के आएगा। ये डैशबोर्ड है, ये फीचर्स है, तो हमें फ़ीचर्स पर टैप करना है। जब फीचर्स में हम लोग आ गए, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, और यहाँ पर XML साइट मैप्स हैं, तो साइट मैप आपको ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क पे टैप करना है। जब क्वेश्चन मार्क पे टैप करेंगे तो आपका आएगा एनेबल द XML साइट मैप दैट योस्ट SEO जनरेट्स सीधा XML साइट मैप। तो हम इस साइट मैप पे टैप करेंगे। ये जो मेरा साइट मैप है ये बन के आ गया यहाँ पे। लेट्स से हमको ये दो, और हालांकि आपकी जो आपको साइट मैप जो सबमिट करने होते हैं उसमें बहुत से कैटेगरीज बन के आ रहती है, तो मेरा सजेशन यही, और YouTube भी आप वीडियोस देखते होंगे उसमें भी यही सजेशन मिलता होगा कि आपको आपके जो पोस्ट होते हैं, जो आप पोस्ट पब्लिश करते हैं उसका साइट मैप, और जो आपके पेजेस होते हैं जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कैटेगरीज, ये सब जो पेजेस होते हैं इनका साइट मैप बनाना होता है, और इसको ही आपको उसको सबमिट करना होगा साइट जो साइट मैप का ऑप्शन है सर्च कंसोल में। पेजेस और पोस्ट यही हम इस टाइम करने आ रहे हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे इसको कॉपी करना होगा। उसके बाद ये हम गूगल सर्च कंसोल में आ गए। गूगल सर्च कंसोल जब हम आ जाएंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे जो मेरा साइट मैप था पोस्ट का, ये जो पोस्ट साइट मैप है इसको हमें पब्लिश करना है, पेज सबमिट करना है सॉरी। उसके लिए आपको ये ध्यान रखो जो आपने कॉपी करा है उसमें आपको ये जो मेरा जो लिखा हुआ ये साइट URL इसको हमें हटा देना होगा, वरना प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरा URL जो है वो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि ये सर्च कंसोल में हम बना चुके हैं ना। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको सिर्फ पोस्ट का साइट मैप जो है उसको सबमिट करना है। तो आपको पोस्ट सिर्फ चाहिए पोस्ट से, उससे पहले का जो है वो आपको सब हटा देना है, आपको सिर्फ लिख के आना चाहिए पोस्ट साइट मैप XML। इसको यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल विल पीरियोडिकली प्रोसेस एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग विद इट इन द फ्यूचर। ओके, गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमने 29 मई है, इसको हमने ये जो पोस्ट का मेरा साइट मैप था इसको हमने इस पर सबमिट करते हुए देखिए सक्सेस बन के आ गया। ये जो मेरा पोस्ट का साइट मैप था ये हमने इसको सबमिट कर दिया। अब उसके बाद हम वापस इसी में आ जाएंगे, सॉरी साइट मैप में। जो मेरा उसके बाद अब बना पेजेस का साइट मैप, इसकी हमको लिंक को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी हो गया, उसके बाद वापस हमको यहाँ पे आ जाने फिर से, और कंट्रोल वी पेस्ट हमने कर दिया। अब देखिए ये जो मेरा साइट मैप वो पेजेस का है, फिर अगेन हमको वही करना है, ये newsite.com हैश है इसको हमें हटा देना है, क्योंकि हमें URL पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो पेजेस का साइट मैप आ गया इसको हमें फिर सबमिट कर देना है। जब हम सबमिट कर देंगे तो फिर इस तरह का जो पहले ऑप्शन बन गया था फिर बन के आएगा। गूगल पे ओके, गॉट इट। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ इसमें जो पेज का साइट मैप इसको जब हम कर रहे हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको अगेन ट्राई करते हैं जाके। कॉपी किया हमने यहाँ से इसको, फिर हम साइट मैप में चले गए, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमने उसको सबमिट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेज का जो साइट मैप था वो भी यहाँ पे सक्सेस हो गया है। यहाँ पे जो मेरे जो मेन जो दो चीज़ें थी जो हमको सबमिट करानी थी योस्ट SEO प्लगइन की मदद से, वो हमने कर लिया है। और आपको भी यही करना होगा कि मोस्टली पेस्ट जो पोस्ट होती है आपको वो उसका, और पेजेस जो इन दोनों के जो साइट मैप होते हैं उनको सबमिट कराना होता है। ओके, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये जो वीडियो ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।